ओम शांति। 14 दिसंबर, बाबा नशा चढ़ा रहे हैं बच्चे। याद करो तुम किसके सम्मुख बैठे हो, जिसको तुम बुलाते थे हे पतित पावन आओ, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं था। पता नहीं चला तो कह दिया सर्वव्यापी है, तुमने मेरी ग्लानी कर दी। अब मैं आ गया हूं तुम्हें आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान दे रहा हूं। तुम मेरे साथ बैठे हो, मुझसे राजयोग सीख रहे हो। इस योग को ही अग्नि कहते हैं। इससे ही तुम आत्माएं पावन बन जाती हो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तुम रियल सत्संग में बैठे हो। ये सत्य बाप का, सत्य परम पिता का संग तुम्हें मिला हुआ है। बाकी सब तो इस सत्संग की यादगार हैं। सब कह देते हैं सत्संग में गए थे, लेकिन वहां सत्संग होता नहीं। वहां तुमको सत्य परमात्मा की मत भी नहीं मिलती, तो तुम गिरते ही आते हो। अब मैं सत्य बाप आया हूं सचखंड स्थापित करने के लिए। सचखंड स्वर्ग को कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का ये अक्षर है। सचखंड की स्थापना कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। हथेली पर स्वर्ग लेकर आ गया हूं। तुम सुखों में जाना चाहते थे ना, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां मेरी मत पर चलकर अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, अपने लिए राज स्थापित कर रहे हो। तुम ही स्थापना कर रहे हैं, तुम ही उसको भोगेंगे, प्रारब्ध पाएंगे। इसलिए तुम्हें मेरी श्रीमत पर अवश्य चलना चाहिए। मैं तुम्हारी जवाबदारी ले रहा हूं, तो तुम मेरी बात मानो ना, मेरी मत पर चलो। मैंने तुम्हें कहा है बच्चे, अब घर गृहस्थ में रहते हुए पावन बनो। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी मत है। इससे तुम उच्च पद पा सकोगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। ये सभी निश्चय तुम्हें होना चाहिए कि अब ये संसार का खेल पूरा हो रहा है, हमें घर वापस जाना है, तो तुम में पावन बनने की ताकत आ जाएगी। नहीं तो सोचते हैं यही तो लाइफ है, पता भी नहीं कि हम पतित बन रहे हैं। गंगा में नहाने जाते हैं पावन बनने के लिए, बाबा हंसी कर रहे हैं, अगर पानी से पाप करते तो उसी में जाके बैठ जाओ ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। शिव बाबा से बुद्धि योग लगाने से उनसे जो शक्तियां मिलती हैं, उससे पाप नष्ट होते हैं। तो तुम जानते हो ये जो कुछ हम देखते हैं, ये पुरानी दुनिया अब नहीं रहेगी। पहले बाबा कर स्थापना कर रहे हैं, फिर इस पुरानी दुनिया का महाविनाश हो जाएगा। जो कल पहले हुआ था वही फिर से होगा, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं कहीं आग लगेगी, कहीं भारी भारी अर्थक्वेक्स आएंगी, अकाल पड़ेंगे, सागर उछलेगा बहुत, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम पावन बनकर सतयुग में स्वर्ग में चले जाएंगे, तो तुम्हें ये ज्ञान दूसरों को बहुत अच्छी तरह से देना है। लेकिन बाबा ज्ञान देने के साथ दो बातें कह रहे हैं, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं एकांत में इसका मनन करो, तो ये तुम्हें धारण हो जाएगा। ज्ञान सुनते हैं फिर काम धंधों में लग जाते हैं, न धारणा होती न मनन चिंतन होता, तो दूसरों को ऐसे ही रटा रटाया ज्ञान दे देते हो। उससे तुम्हारा तीर दूसरों को अच्छी तरह नहीं लगता, एक बात। और दूसरी बात कही, ज्ञान देने के साथ साथ तुम्हें हड्डी सुख मिलना चाहिए। हड्डी सुख माना जिगरी सुख, माना गहरा सुख, आत्मिक सुख तुम्हें अनुभव में लाना है। बाबा कह रहे बच्चे भले ही समझाने में होशियार हैं, लेकिन जो ईश्वरीय गहरा सुख है वो बच्चों को नहीं मिलता है,
उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा योग का अभ्यास करना पड़े, मेरे से बुद्धि योग लगाना पड़े, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना पड़े, तो तुम्हारा मेरे से गहरा प्यार भी होना चाहिए, हड्डी प्यार। तुम्हारी धारणाएं भी हड्डी धारणा होनी चाहिए, हड्डी मजबूत होती है ना, मजबूत धारणाएं होनी चाहिए, तब तुम्हें गहरा सुख भी मिलता रहेगा। तो मैं तो तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं। अब मैं तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ, अमरनाथ की कथा सुना रहा हूँ। वहां जो कथाएं चलती हैं भक्ति में, वो यहाँ की यादगार है, वो तो सत्य कथा होती नहीं। मैं ही आकर संपूर्ण ज्ञान तुम्हें देता हूँ, तुम्हें अमरनाथ की कथा सुनाकर अमर बना देता हूँ। तुम सत्यनारायण की कथा सुनकर नरसिंह नारायण बन जाते हो, पावन बन जाते हो, इसलिए तुम्हें मेरी मत पर चलना अवश्य है। तुम जानते हो लड़ाई सामने खड़ी है, अब हमें घर वापिस जाना है, तो घर ऐसे ही तो वापिस नहीं जा सकते। जब तक तुम आत्मा पावन नहीं बनी, तब तक कोई भी घर वापिस नहीं जा सकते। तो आज गीत बजा था, आखिर वो दिन आया आज, तो बाबा तो इस गीत पर जैसे डांस करते थे ब्रह्मा बाबा। श्री बाबा कह रहे हैं, ये गीत तुम्हारे लिए हीरे के समान है, जिन्होंने बनाया उनके लिए तो कोड़ी के समान है। आखिर वो दिन आ गया है, तुम मेरे सम्मुख बैठे हो और सतयुग की स्थापना हो रही है, तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए। आखिर वो दिन आ गया जब भगवान से हमारा मिलन हुआ है, जब वो हमारे सम्मुख बैठा है और हम उसकी आज्ञाओं पर चल के अपने जीवन को देवताओं जैसा यहीं बना रहे हैं। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा सभी को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भाव। हम कंबाइंड हैं शिव बाबा से, उसे जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। इस स्मृति में रहने से जब दूसरों को तुम ज्ञान देंगे तो वो समीप आएंगे, शिव बाबा से संबंध जोड़ेंगे, परिवार से संबंध जोड़ेंगे। अगर इसके बिना तुम ज्ञान देते हो तो वो आवागमन में रहते हैं, आए गए, वो शिव बाबा से अपना गहरा नाता नहीं जोड़ते। इसलिए कंबाइंड स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास करो, अर्थात मैं शक्ति हूँ और शिव के साथ कंबाइंड होकर शिव शक्ति बन गई हूँ। स्लोगन है, जब हम साधना के मार्ग में हैं, तो साधन जो हमें मिले हैं उसमें हमारी वैराग वृत्ति रहे, वो छुप न जाए। तो आज का हमारा बहुत अच्छा अभ्यास चलेगा, हम किसके सामने बैठे हैं, अपने को बार बार, कभी सूक्ष्म तन में बाप दादा के सामने और कभी परम धाम में उसके बिल्कुल सामने ज्ञान सूर्य के सामने बैठने की ड्रिल करेंगे। जितने ज्यादा करेंगे उसके सुंदर वाइब्रेशन सब में समाते जाएंगे और चिंतन करेंगे, क्या मुझे बाबा का बनने के बाद रियल सुख, ईश्वरीय सुख, जिसे हड्डी सुख कहा बाबा ने, वो मिल रहा है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।